खरगोन जिले के देवला गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोगावा तहसील के ग्राम देवला में 15 से अधिक लोगों ने कच्ची शराब पी और उनकी हालत बिगड़ गई और 2 की मौत भी हो गई। इनका पुलिस को सूचना दिए बिना दाह संस्कार भी कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टर की सलाह ली। उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना और जांच रिपोर्ट के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। शराब बेचने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, उसको किया है, उससे पूछताछ भी हम लोग कर रहे हैं कि जिस जहाँ का वो शराब का बता रहे हैं तो शराब का वो क्या स्थिति थी, कहाँ से लाया था, जिसके यहाँ से लाया था वहाँ से भी हम लोगों ने पता लगाया है। कैसे बना पता, क्या करता था, क्या इशू था, सारी चीज़ों के भी हमें तो घर नहीं था, पर इन्होंने शराब पी थी। वो 2 लोग भी उल्टी डस्ट में मर गए। इन्होंने भी कल 9-10 बजे तक पी। इनका भी वही मामला हुआ। क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ उल्टी डस्ट हुई थी, उनको सब यहाँ लाए थे। और उससे पहले जो बाकी 2 लोग थे उनकी मौत हो गई? वो उनको उल्टी डस्ट लग गई थी। उनकी मौत कहाँ पर हुई थी? खरगोन अस्पताल में। क्या जो जो जिनकी मौत हुई उनके नाम? उनके नाम एक का नाम कमाल सिंह था, कमाल सिंह मोते सिंह, और एक का नाम राजेश। कहाँ से लाए थे दारू? ये दारू गांव में मिलती थी। हाथ की बनी दारू? हाथ की बनी। कितने लोगों ने पी थी गांव में? सर ये तो पिता नहीं, इनको नहीं मतलब, फिर भी अंदाजन कम से कम 15-20 जने। तुम बोलो पूरा बात। ग्राम देवला का है। इन लोगों ने कच्ची मोड़ी शराब पी ली, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक है कमाल सिंह झाला और एक है राजेश राठौर, जिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और बाकी लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट हैं। करीबन ये 15-20 जन हैं। इन्होंने यहाँ देवला में सुबह 9 से 10 बजे के बीच में शराब पी थी। 11-12 बजे इनकी हालत खराब हुई, फिर उपचार के लिए के बाद ये शराब गाँव में नहीं बनती, सर बाहर से आती है। कौन बेचता है गाँव में? ये बता रहे हैं पीने वाले कि उन्होंने लोकेन सोलंकी घर शराब पी है। अभी इसके सर भी आए? हाँ, इसके सब आए थे अभी। उन्होंने भी स्टेटमेंट लिया तो वो चला। जिनकी मौत हुई उनका पीएम नहीं हुआ है? हाँ, तो सुनने में आया कि नहीं। तो इन लोगों ने यहाँ पीएम नहीं करवाया, मतलब घर वाले नहीं करवाना चाह रहे थे या यहाँ से नहीं हुआ? सर इतनी जानकारी तो नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर पीएम करवाया नहीं करवाया। बाकी ये इस मालूम में उनको जाए। और कहाँ कहाँ भर्ती है लोग इसके अलावा? यहाँ इसके अलावा भोगाव में भी थे। एक को इंदौर रेफर किया गया, जिनको उनकी उल्टियाँ चालू हुई थी, तो एक को इंदौर रेफर किया गया। कितने लोग टोटल थे? कम से कम 15 से 20 के समथिंग। 15 से 20 लोग अभी भर्ती हैं। और गिनती कितने की हो चुकी? दो चार की तो छुट्टी हो चुकी है गोगांव से, बाकी खरगोन में एडमिट है। मृत्यु की तो 4 जनों की हो चुकी? 2 जनों की। 2 जनों शराब पीने से हुआ है? शराब की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष बंसाल है। कहाँ रहते हो? देवला। सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो जहरीली शराब पीने की वजह से बीमार हो गए थे, और उनमें से बता रहे थे उससे पहले भी 2 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसी के विषय में जांच करने के लिए हम लोग आए थे, और उनसे जो लोग वर्तमान में बीमार थे उनसे पूछताछ कर रहे थे, और जो डॉक्टर्स इन मैटर्स को देख रहे हैं उनसे भी चर्चा की गई है। तो बेसिकली जो जहरीली शराब वाला मसला आ रहा था, तो उसके विषय में ये भी है कि जो लक्षण होते हैं जहरीली शराब जैसे, जिसमें आदमी अंधा हो जाता है या उसको हुआ आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, सीजर्स हो जाते हैं, तो ऐसे कोई लक्षण इस मैटर में नहीं है। केवल इनको जो है वॉमिटिंग और डायरिया होता है। तो वॉमिटिंग और डायरिया जो है वो कंफर्म अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से हुआ है, और ये अभी हम लोग अभी भी पता लगा रहे हैं। डॉक्टर से भी इसकी बात कर रहे हैं। टेस्ट के लिए भी जो हमारे पास सैंपल्स हैं, जो वॉमिट है उसको हम लोगों ने उसको भेजा है, ताकि स्थिति और स्पष्ट हो सके कि एक्चुअली में इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके पीछे क्या इशू हुआ है। और जो पूर्व में जो 2 लोग मरे थे, तो उनका अस्पताल स्तर पे ही जो है उनका इलाज करके उनकी बॉडी जो है वो बिना पुलिस को सूचना दिए डायरेक्टली परिजनों को दे दी गई थी बिना पीएम किए हुए। तो उनका भी अभी क्लियर कट नहीं है कि उनका एग्जैक्टली क्या इशू था। अब जो चीज़ें हमारे पास वर्तमान में हैं उसके आधार पर हम लोग अभी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरी जांच जो है प्रॉपर तरीके से लैब के द्वारा कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। सर कहाँ के लोग हैं? ये देवला गांव है, गोगांव थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ के रहने वाले। सर जो मरीज यहाँ भर्ती हैं उनके परिजनों को कहना है कि रात 17-18 लोगों ने वहाँ शराब पी थी, और उसके बाद ही उनके स्वास्थ्य बिगड़ा। ये बात मैंने अभी इन लोगों ने मुझे को बताई है,
और उसमें ही हम लोग पता कर रहे हैं कि जो शराब है, शराब के साथ कोई अन्य चीज़ का सेवन किया है क्या, या शराब किसके साथ ली गई है, या शराब में कोई ऐसी चीज़ मिला दी गई हो, मतलब शराब के अलावा, जैसे कि जनरली जो जहरीली शराब होती है उसमें मेथनॉल की पॉइजनिंग होती है, तो मेथनॉल की पॉइजनिंग के जो लक्षण होते हैं वो इस घटनाक्रम में नहीं दिख रहे हैं, जो जैसा मुझे डॉक्टर से मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसकी पूरी जाँच कर रहे हैं कि बेसिकली मैटर में और क्या है, कोई और कोई इशू तो नहीं है किसी और चक्कर से, तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी जांच है साइंटिफिक, इसकी FSL के लिए भी हमने भेजा है जो भी सैंपल हमारे पास है, और जो भी उसकी जांच है वो प्रॉपर हमारे पास आएगी, तो उससे कंफर्म हो जाएगा क्या इशू सर जिनकी डेट हुई है उनकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।